Hopefully, welcome to another episode of Bollywood This Week. From Amar Ansari, aap sabhi logon ka, SS Rajamouli, Junior NTR and Ram Charan ki film Triple R ke day number 4 ke box office collection prediction, audience occupancy and show count episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? Box office pe bang bang ho raha hai mera bhai. Episode late isiliye banaya kyunki Hindi version jo hai wo kahin bhi ja raha hai. Usko nahi pata use kahan jana hai, kya 15 jana hai? क्या 15.5 करोड़ जाना है या 16 करोड़ जाना है. द बॉक्स ऑफिस हैज गॉन बॉन्कर्स. आज मैंने वीडियो देखा गेटी के बाहर का. आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड. सीरियसली गाइज, आंख में सीरियसली आंख नम हो गई एकदम. क्योंकि गाइज हमने देखा है लॉकडाउन के दौरान गेटी किस तरह से था. पोस्टर्स निकाल दिए गए थे. हाँ, गेटी के सामने जितने भी स्टॉल्स थे सब उड़ गया था. वहां से ऐसा लग रहा था कि वो ना पूरा वीरान. आज जब मैंने वो नजारा देखा ना गाइज, इतना मजा आया गाइस. खचा खच भरा था गेटी आज का. फाड़ रही है फिल्म. ट्रिपल आर हिंदी वर्जन इज अ ब्लॉकबस्टर. मार्क माय वर्ड्स, ये लंबी जाएगी फिल्म. पिक्चर जो है चिपक चुकी है ऑडियंस पे. एंड गाइस आज पागल हो जाओगे सुन के कितना पैसा कमा रही है. मैं तो विश्वास नहीं किया क्योंकि मेरे को लग रहा था मॉर्निंग में एटलीस्ट पिक्चर 12-13 करोड़ कमाएगी. ट्रिपल आर ऑन इट्स फोर्थ डे, इट्स ऑन इज वे. फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है अब अपने चौथे दिन पर 15.5 से 16.5 करोड़ कमाने वाली. यस, यू हर्ड इट राइट. फर्स्ट डे का जो रिवाइज फिगर है वो ऑब्वियसली 19 करोड़ रुपीज का है. एंड गाइज उसके हिसाब से अगर मैं ड्रॉप देखूं देन कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है वो आज लगभग लगभग अगर 13-14 करोड़ भी कमाती ना तब ठीक होता. लेकिन गाइज 15.5 से 16. अब गाइज इसका सबसे बड़ा कारण दो चीजें हैं. सबसे पहली बात तो गाइज वीकेंड्स में जो प्राइस रखे थे एस्पेशली ट्रिपल आर वालों ने वो इतना जबरदस्त तरीके से था. लेकिन अब मंडे से सभी जगहों पर टिकट के प्राइसेस कम हो गए. देखिए गाइज ये कंसेप्ट जो है लोगों के दिमाग में एस्पेशली प्रोड्यूसर्स के कि हाई टिकट प्राइसेस अगर आप रखोगे तभी जाकर आपके जो कलेक्शंस है वो आएंगे. देखिए गाइस फुटफॉल्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाई टिकट प्राइसेस. जब आपके टिकट रेट्स नॉमिनल रहेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा क्राउड आप पुल इन कर पाओगे. यस, टिकट के प्राइस ज्यादा रहेंगे तभी भी क्राउड आएगा, तभी आपको कलेक्शन आएगा. लेकिन बहुत सेक्शन ऑफ द ऑडियंसेस जो है वो 350 की टिकट थोड़ा हिचकिचाएगा लेने के लिए. लेकिन वही 350 की टिकट अगर 250 की हो तो अपने साथ और दो को लेकर आएगा 250 में फिल्म देखने के लिए. आप समझ रहे हो, एक आदमी 350 आपको देने वाला था वो अभी अपने साथ दो और लाके 750 रुपए का टिकट आपके लिए खरीदेगा पिक्चर का. तो कितने का फायदा हुआ. इसलिए गाइस टिकट के प्राइसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है. एंड टिकट के प्राइसेस कम होने के कारणवश अभी बहुत कम ड्रॉप हुआ है. यानी कि जो कलेक्शन था फ्राइडे का एंड आज का जो कलेक्शन है उसमें मिनिमल ड्रॉप है. अगर मैं आपसे कहूं कि जो लोगों की संख्या थी जिन्होंने फ्राइडे को ट्रिपल आर देखा था एंड उन लोगों की संख्या जो मंडे को ट्रिपल आर देख रहे हैं, हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, एकदम समानता पर है. सिमिलर, यानी कि आपको ट्रेड भाषा में समझाता हूँ तो फुटफॉल्स ऑफ पीपल हु वॉच ट्रिपल आर ऑन फ्राइडे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फुटफॉल ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग इट ऑन मंडे थैंक्स टू द लो टिकट प्राइजेस. यस फ्रेंड्स, बहुत ही डिफरेंस आया टिकट प्राइजेस में. वो टिकट प्राइजेस जो लगभग लगभग 320 से 330 की थी अब जाकर जो एवरेज टिकट प्राइस है वो कहीं ना कहीं 250 एंड 260 हो गई है. जो कि आज ट्रिपल आर के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर प्लस पॉइंट बनकर आया है. एंड यही इसके कलेक्शन जो है एटलीस्ट 16 करोड़ तक पहुंचाएगा. इसी के साथ 4 दिनों में ट्रिपल आर विल बी 90.50 यानी कि 90.50 करोड़ ये पहुंच जाएगी, विच इज एब्सोल्युटली ह्यूमंगस. तो लेट्स सी गाइस आज बाकी जगहों पर ये फिल्म जो है वो कितना बिजनेस कर रही है. अगर इसका फिल्म का बिजनेस अच्छा हुआ देन गाइस इट इज गोना मेक अ न्यू रिकॉर्ड. महामारी के बाद द हाइएस्ट मंडे वॉज फॉर द कश्मीर फाइल्स 15.05 करोड़. सूर्यवंशी भी का भी इतना बड़ा मंडे नहीं था. ऑब्वियसली वो फिल्म 50% की ऑक्यूपेंसी पर चल रही थी. एंड गाइस सूर्यवंशी का डे 4 था यानी कि फर्स्ट मंडे 14.51, यहाँ पे कश्मीर फाइल्स का डे 4 था 15.05. एंड कल ट्रिपल आर का जो डे 4 होने वाला है वो कहीं ना कहीं 16 करोड़ के ऊपर होगा. यानी कि ट्रिपल आर अपने आप में ही एक उपलब्धि लेके जा रही है कि इतना फाड़ तरीके से वो अपने कलेक्शंस कर रहे हैं. फिर बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर आज
यानी कि डे फोर बॉक्स ऑफिस पर ट्रिपल आर की हाल रही। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑब्वियसली तेलुगु वर्जन के साथ। तो तेलुगु 3D की बात करें तो हैदराबाद कंप्लीटली फुल था, 4 में 4 शोज फुल थे। बैंगलोर की बात करो 106 शोज में 38% ऑक्यूपेंसी थी। चेन्नई में 82 शोज थे 39% ऑक्यूपेंसी। गुंटूर 4 3D शोज, चारों हाउस फुल। दिल्ली NCR में 17 3D शोज थे 15% की ऑक्यूपेंसी। मुंबई में 5 3D शोज थे 25% ऑक्यूपेंसी। करीमनगर में 4 3D शोज, चारों हाउस फुल। तिरुपति में 4 3D शोज 98% ऑक्यूपेंसी। यानी कि तेलुगु 3D इज रनिंग टू गुड टू वेरी गुड इन द कैपेसिटी। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर हिंदी 2D की। तो गाइस हिंदी 2D की बात करूं तो गाइस मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी काफी अच्छा थी, 15% की थी। आफ्टरनून 29, इवनिंग 37, रात के शोज 48। मंडे चल रहा है, मंडे बिकेम अ मंडा। मुंबई में यहाँ पर 508 शोज में 38% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली NCR में 502 शोज में 49% ऑक्यूपेंसी। पुणे में 186 शोज में 186 शोज में 28% ऑक्यूपेंसी। लुक एट बैंगलोर 58 शोज में, बैंगलोर इज गोइंग बनानास, 68% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 47% ऑक्यूपेंसी 53 शोज में। बात करूं कोलकाता की, 155 शोज में 39% ऑक्यूपेंसी। लुक एट अहमदाबाद, एकदम जबरदस्त, 315 शोज में 39% ऑक्यूपेंसी, जोरदार शानदार। चेन्नई 88% ऑक्यूपेंसी। उसके बाद बात करूं सूरत की, सूरत में जलसा चाले छे, 53 ऑक्यूपेंसी छे, 164 शोज छे। जयपुर में 49% ऑक्यूपेंसी, 98 शोज। यानी के 2D वर्जन जो है हिंदी का वो भी पूर्ण तरीके से धमाल कर रहा है। अभी द मेन आइसिंग ऑन द केक, दे हैदराबाद बिरयानी, बिरयानी हैदराबाद बिरयानी। 25 साल से 4 मीनार में बैठा हूँ, क्या समझ लिया मेरे को। और मैं बात करता हूँ मॉर्निंग शोज की, तेलुगु 2D की, तो 32.48% की ऑक्यूपेंसी थी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बात करो आफ्टरनून शोज की, 49% ऑक्यूपेंसी थी। इवनिंग शोज 68% एंड रात के शोज 75% पे चल रहे हैं। लुक एट हैदराबाद, 863 शोज, 81% ऑक्यूपेंसी। कौन बोला आर से ना हो पाएगा, मंडे आके गिर जाएगा? नहीं मेरा भाई, निजाम कलेक्शन करते जा रहा है। बेंगलुरु की बात करूं, 455 शोज में 39% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई 59 शोज में 65% ऑक्यूपेंसी। विजयवाड़ा लो 180 शोज 78% ऑक्यूपेंसी। वरंगल 65 शोज में 58% ऑक्यूपेंसी। बात करूं अगर वाइजैक की, 243 शोज में 88% ऑक्यूपेंसी। बात करूं यहाँ पे दिल्ली NCR की, दिल्ली NCR में 42 शोज है तेलुगु, 29% ऑक्यूपेंसी। मुंबई 68 तेलुगु शोज है, 38% ऑक्यूपेंसी। करीमनगर 20 शोज में 68% ऑक्यूपेंसी है। महबूब नगर, अब सबका मन पसंदीदा महबूब नगर, 12 शोज में 69% की ऑक्यूपेंसी है। बात करूंगा यहाँ पर काकीनाडा, 42 शोज में 41 शोज हाउसफुल। यानी कि तेलुगु वर्जन, द हिंदी वर्जन एंड द तेलुगु 3D वर्जन आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब गाइस बात करेंगे हम लोग इसके तमिल 2D वर्जन की। चेन्नई में 165 शोज में 38% ऑक्यूपेंसी है। बैंगलोर में 39 तमिल शोज है 27% ऑक्यूपेंसी। मदुरा में 33 शोज में 25% ऑक्यूपेंसी। कोयम्बतूर में 40 शोज में 49% ऑक्यूपेंसी है। पुंडिचेरी में 18 शोज में 37% ऑक्यूपेंसी है। बात करूं कोच्चि की, तो 3 शोज में 15% ऑक्यूपेंसी है। एंड वेल्लूर में 27 शोज में 18%। यानी कि तमिल भी काफी डिसेंट चल रहा है। एंड नाउ द मेजर पाई, द मेजर शेयर ऑफ द कलेक्शन, नर्दन हिंदी 3D। हिंदी 3D वाज सुपर्ब। मॉर्निंग शोज 18%, आफ्टरनून 37, इवनिंग 49 एंड नाइट 56। अब समझ में आया 15.5 16 कहां से आ रहा है। रोब मैं वसीकरण। ओके गाइस, यहां पर मुंबई 252 शोज 49% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली NCR 308 शोज 60% ऑक्यूपेंसी। यानी 3D इज गेटिंग लॉट ऑफ अप्रिशिएशन। यहां पर पुणे की बात करूं, 88 शोज में 27% ऑक्यूपेंसी। बात करें बेंगलुरु की, तो 10 शोज है यहाँ पे 95% की ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता 111 शोज में 58% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद 55 शोज 49% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई 8 शोज में 6 शोज हाउसफुल। सूरत 34 शोज में 59% की ऑक्यूपेंसी, ब्रिलियंट। जयपुर 60% ऑक्यूपेंसी। लखनऊ 59, भोपाल 38, चंडीगढ़ 39। यानी कि हिंदी में 2D 3D दोनों मिलकर फुल तरीके से यहाँ पर धमाल मचा रहे, इसीलिए कलेक्शन अच्छा आ रहा है। कन्नड़ा वर्जन की बात करते हैं, बैंगलोर में 25 कन्नड़ा शोज है, 38% ऑक्यूपेंसी, वेरी नाइस। बेलगाम में 4 शोज है 29% ऑक्यूपेंसी। मैसूरू में
सिक्स शोज है, 65% ऑक्यूपेंसी, ब्रिलियंट। कुंदापुरा में 5 शोज है, 28% ऑक्यूपेंसी, इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी है नंगे गोता आगता इल्ला याके और एस्ट पिक्चर बर्ता इदे और कन्नड़ डब याके माड़कागल्ल अवरिगे। हाँ कन्नड़ डबिंग रिलीज माड्कोडि, बैंगलोर मेन सिटी इदे जास्ती शो कोट्टि, बैंगलोर में 25 शोज के बदले 50 कन्नड़ शोज देंगे तो जाएंगी ऑडियंस देखने के लिए कन्नड़ वर्जन। मेरी रिक्वेस्ट है जितनी पैन इंडिया फिल्म है आप डेविड टू कन्नड़ रिलीज माड़ी, अर्थ आयता कन्नड़ में रिलीज करो फिल्म। इतना बड़ा मार्केट है यहाँ पर, गुलबर्गा है, बेलगाम है, मैसूर है, शिमोगा है, कुंदापुरा है, टुमकुर है, रायचूर है, रिलीज कीजिए आप अपनी फिल्में कन्नड़ भाषा में, डेफिनेटली आपकी फिल्में अच्छा कलेक्शन कमाएगी। ओके गाइस, सब आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आएगा। वेट अ मिनट, अरे भैया प्रेडिक्शन कौन बताएगा भाई, अरे हिंदी बोल के खसक रहे हो क्या, वर्ल्ड वाइड बताओ हमको, बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो कल से बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है क्योंकि गाइस ये लोग प्रोड्यूसर कलेक्शन बताएंगे नहीं, मैं आपको बताऊंगा जितना मेरे पास आएगा। तो अब गाइस हिंदी में ऑब्वियसली 15.5 से 16 करोड़ आने वाला है, तो 18 से 20 करोड़ इसका ग्रॉस यहीं पर हो गया। एंड गाइस कल ये फिल्म कहीं ना कहीं 70 to 80 करोड़ जो है वर्ल्ड वाइड बिजनेस करेगी। एंड कल इस फिल्म का जो टोटल है 4 दिनों का वो 570 to 580 करोड़ होगा। पोस्टर अब एक्सपेक्ट मत करना प्रोड्यूसर से, अब प्रोड्यूसर शायद पता नहीं उसका मूड कब आएगा, 750 करोड़ के आसपास वो पोस्टर रिलीज करेगा, तो अब से देयर विल बी नो पोस्टर्स। हिंदी ऑफिशियल कलेक्शन जो है वो पेन वाले देंगे, यानी कि लेकिन तेलुगु वर्जन से आप लोग उम्मीद मत रखिएगा। ओके गाइस, लेट्स सी कल 570-580 करोड़ आएगा, हिंदी का प्रेडिक्शन 15.5 से 16, लेट्स सी कितना आता है तो वक्त ही बताएगा। एंड ऑल टोटल प्रेडिक्शन वर्ल्ड वाइड मेरा है day 4 का 70 to 80 करोड़। ओके गाइस, आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, मुझे पता है एपिसोड लेट बना रहा हूँ लेकिन गाइस अच्छा नहीं लगता है, यू नो रात के शोज चल रहे हैं, बीच में से आपको प्रेडिक्शन बता दूं, पूरा अभी शोज ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है इंडिया में, इसलिए एक रिपोर्ट ऐसा बनाऊं जो कल एटलीस्ट वो अचीव हो जाए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।